वो पनौती था, पनौती है, पनौती रहेगा। इस देश के लिए कलंक है। इनकी मशीनरी ने खेला किया है। कांग्रेस छू मंतर न हुई है, न होगी, इनके बाप भी कांग्रेस को छू मंतर नहीं कर पाएंगे, आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर। अरे पनौती तो गुजरात की जनता ने कहा पनौती है, मैं कह रहा हूँ पनौती था, पनौती है। ये हमारे कुछ नेता जो भाजपा के चाटुकारिता करते हैं उनके वजह से दशा हुई। भैया हमारे नेता अगर नहीं सुधरेंगे तो स्थिति यही है। बालाघाट के डीएम ओमी सिरवा को जेल क्यों नहीं भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? इसका मतलब वो भी भाजपा आरएसएस के कोठे पर मुजरा कर रहा है, क्यों नहीं भेजा? नमस्कार, मैं अनुर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चतुर्वेदी जी। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और उसमें से 3 जो राज्य हैं उसमें भाजपा की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, इनका क्या कहना है, क्यों भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है, इसी पे हम बातचीत करें। अभी आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए या गृह मंत्री कुर्सी पर, किसी भी डीएम से आप कहते कि हमको इतनी सीटें चाहिए, उस डीएम की औकात नहीं है कि इनकार कर जाए। बहुत कम ईमानदार ऐसे अफसर मिलते हैं। कोई मोहब्बत नहीं है, कहीं मोहब्बत नहीं है, अब तो मान जाइए डर है और भय है। नहीं, पनौती क्या, जनता ने जवाब दे दिया। अरे वो पनौती था, पनौती है, पनौती रहेगा। इस देश के लिए कलंक है। जवाब दे दिया जनता ने, जनता ने जवाब नहीं दिया। इनकी मशीनरी ने खेला किया है। आपको 164-165 क्या 50% वाली सरकार फिर रिपीट होनी चाहिए? अरे उत्तर भारत की जनता बॉम्बे में जाती है, पिटा के आती है। कोरोना काल में इनको रोटियां नहीं मिल रही थी, किसान आंदोलन में यहाँ मर रहे थे 700-800 किसान। उसके बाद भी उत्तर भारत के लोगों को शर्म नहीं आती है, तो इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं। गरीब है, सिर्फ देश में सिर्फ गरीबी जाती है और कोई जाती नहीं। गरीबों की बात करते हैं तो गरीबों की बात करते हैं, कितने गरीबों के वहां पहुंचा रहे कोरोना काल में, आप बताइए। 5 किलो राशन दे करके आप इस देश की जनता को आलसी काम चोर बनाना चाहते हैं? ये देख के तो लग रहा है कि 24 भी हार ही गए आप लोग। 24 गया भैया, हमारे नेता अगर नहीं सुधरेंगे तो स्थिति यही होगी। तो आप मान लेते हैं कि जो मोदी जी ने बोला कि छू मंतर हो गया कांग्रेस? कांग्रेस छू मंतर न हुई है, न होगी, इनके बाप भी कांग्रेस को छू मंतर नहीं कर पाएंगे, आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर के। रस्सी जल गया, बल नहीं गया, बल नहीं गया। पंडित राहुल गांधी जो कहते हैं संत टाइप के आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, वो दगाबाज नहीं हैं, धोखेबाज नहीं हैं। उनके पनौती वाला सब खा गई किसकी? अरे पनौती तो गुजरात की जनता ने कहा पनौती है, मैं कह रहा हूँ पनौती था, पनौती है। उसी की तो सजा मिली है, कोई सजा नहीं मिली है। ये हमारे कुछ नेता जो भाजपा के चाटुकारिता करते हैं उनके वजह से दशा हुई है। मतलब कांग्रेस में भी बीजेपी के नेता है? हाँ। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक पार्टी है? बीजेपी अपने एजेंट कांग्रेस में भी छोड़ रखे। अब कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पनौती बन गए। राहुल गांधी सज्जन आदमी है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुआ। अब देखिए तेलंगाना की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और उत्तर भारत के लोग सबसे ज्यादा लेबर कहाँ पाया जाता है? यूपी और बिहार में। यूपी में कहाँ चुनाव है? मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी बिहार के लोग पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र तेलंगाना न रहे, इनकी रोजी रोटी ना चले। कभी पूछे हैं कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में रोजगार क्यों नहीं मुहैया कराया जाता? पूछा अपने नेताओं से। यूपी बिहार में चुनाव हो रहे थे, अभी तो मध्य प्रदेश लोकसभा आ रहा ना। अरे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों को और राजस्थान वाले दूसरे प्रदेशों में खदेड़ देना चाहिए। फुर हो गई कांग्रेस? कांग्रेस फुर नहीं हुई, क्योंकि इसी काबिल है ये सब। राहुल गांधी ने 24 के लिए भी रास्ता आसान कर दिया मोदी जी को? बिल्कुल नहीं आसान है, बिल्कुल नहीं आसान है, आसान नहीं है। 2047 तक भी मोदी जी का प्रचार तो किया राहुल गांधी ने? मोदी का कोई प्रचार नहीं किया, उन्होंने जनता को बात समझाने की कोशिश की। आपको मैं बता दूं, जनता को समझाने की कोशिश की, लोग समझ नहीं पाते हैं। आज दक्षिण भारत की जनता
समझदार है, पढ़ी लिखी है। दक्षिण भारत में ईवीएम खराब नहीं होता, दक्षिण भारत में चुनाव आयोग घपला नहीं करता, यही भाई वहाँ के लोग समझदार हैं, वहाँ के अधिकारी ईमानदार हैं, इधर अधिकारी बेईमान है। अच्छा ये बताओ, हम कह रहे हैं नहीं 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 सुनिए, ये बताइए बालाघाट के डीएम ओमी सिरवा को जेल क्यों नहीं भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? इसका मतलब वो भी भाजपा और उसके क्या बोलते हैं आरएसएस के कोठे पर मुजरत सुना रहा है, कर रहा है, क्यों नहीं भेजा? भेजना चाहिए। कौन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ की जनता, वहाँ की जनता तटस्थ हो गई थी। तो जनता एमपी की और एमपी की जनता नहीं, एमपी की जनता नहीं, अरे सुनिए, जितनी जितनी धांधली एमपी में हुई है आप थे नहीं, मैं गया था, कहीं कोई जादू वादू नहीं चला, कहीं कोई, देखिए सुनिए सुनिए, अगर कायदे से टिकट बंटवारा हुआ होता, मामा की कोई औकात नहीं है बीजेपी में, वसुंधरा राजे की कोई औकात नहीं है बीजेपी में, चार चार पांच पांच मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हमारे वहाँ देखिए, हमारे वहाँ नेता चाहते थे राजस्थान में कि 95-96 सीट आवे, मुख्यमंत्री मैं ही बनूं, ज्यादा आ जाएगी तो दूसरा कोई बन जाएगा, इसी खेल में खेल हो गया। हार पहले पता चल गया, तभी रात एक दिन पहले वीडियो वायरल होते कांग्रेस नेता हो गए कि ईवीएम को संभालो, ईवीएम को संभालो। देखिए ऐसा है कि सिर्फ धांधली ईवीएम में हुई है मध्य प्रदेश में, और कहीं नहीं हुई है, अब बाकी सही है। देखा आपने किस तरीके से चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी, तभी जाके ये भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, अगर ईवीएम में गड़बड़ ना होती तो कांग्रेस सरकार ही बनती, लेकिन अब देखते हैं रिजल्ट तो बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, अब देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट भाजपा की तरफ ही भारी पड़ रहा नजर आ रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनता आवाज़।